أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। दोस्तों आज हम आपकी खिदमत में कुरान मजीद की कितनी प्यारी आयत करीमा लेकर आए हैं जिसमें इसमें आज़म है। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनस साहेब पालनपुरी दामत बरकातुहु की एक अहम नसीहत है ये कि इस आयत के पढ़ने के बाद हर दुआ कबूल होती है। दोस्तों इस सूरह तौहा की आयत नंबर 111 है। वानत الوجوه الحي القيوم तर्जुमा, और तमाम चेहरे उस जिंदा और कायम रहने वाली ज़ात के सामने झुके होंगे। दोस्तों ये बहुत ही प्यारी आयत करीमा है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए और हर दुआ से पहले इसे ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी।